Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture education. It utilizes artificial intelligence technology to provide educational resources, courses, and information related to agriculture. This platform aims to enhance the learning experience and promote agricultural knowledge among students. अब आपको बताऊंगा DNA का structure या DNA का component. तो काफी हद तक तो मैंने point को पहले ही से बता दिया. अब केवल क्या लिखोगे इसके अंदर में ये चीज को आप जानिए. सबसे पहले नंबर वन, DNA न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग पॉलीमर है, जो कि DNA क्या है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक DNA का हेलिकल बनाते हैं. आपको मैंने पहले बताया, इधर ध्यान दीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए. यहाँ से लेकर के मैं कलर कर रहा हूँ, इस जगह से लेकर के यहाँ तक एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, तो ये सब न्यूक्लियोटाइड है. आप इस पिक्चर में देखोगे तो न्यूक्लियोटाइड कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा और यहाँ तक, इतना तक एक न्यूक्लियोटाइड है. दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझ में आ गया न्यूक्लियोटाइड. ऐसा ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अलग न्यूक्लियोटाइड, तो पूरा कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके DNA बनाते हैं. और DNA है वो, उसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं. तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कौन कौन से होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन होते हैं. नाइट्रोजन बेस मेन है, और नाइट्रोजन बेस जैसे मैंने आपको बता दिया, ये वाला पट्टी है, ये वाला पट्टी नाइट्रोजन बेस है, ये वाला है, ये वाला है, इसका सबका आधा आधा एक नाइट्रोजन बेस है. और ये चार तरह के होते हैं DNA में, एडीनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन. यहाँ पे इस पिक्चर में देखेंगे तो सपोज करके यहाँ आपको बताना चाहूँगा, यदि ये थायमिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, तो ये तीनों अलग अलग नाइट्रोजन बेस हैं. और इधर का अलग हो सकता है, ये एडीनाइन है, ये साइटोसिन है इतना, और इस तरह से ये ग्वानिन है, ऐसा आप कह सकते हैं, उसके अपोजिट में होता है. आप इस पिक्चर में भी आप देखते हैं तो यही पाएंगे, यहाँ एडीनाइन एक नाइट्रोजन बेस है, यहाँ थायमिन एक नाइट्रोजन बेस है, दूसरा ग्वानिन है, तीसरा साइटोसिन है, उसके बाद फिर थायमिन है, तो ये नाइट्रोजन बेस है. और नाइट्रोजन बेस चार में से कोई एक हो सकता है. उसके बाद है पेंटोस सुगर, तो पेंटोस सुगर इसका ये, और जैसे यहाँ पे इसका ये वाला पेंटोस सुगर, इसका ये वाला पेंटोस सुगर, इसका ये वाला पेंटोस सुगर, समझ में आ गया. और पेंटोस सुगर कौन सा, डी ऑक्सीराइबोज पेंटोस सुगर. तीसरा है फास्फेट ग्रुप. अब फास्फेट ग्रुप क्या है, तो फास्फेट ग्रुप का सीधा मतलब होता है इतना सा कड़ी, इतना सा कड़ी, इतना सा कड़ी, यानी कि आप इस पट्टी में इतना वाला जो पट्टी है ये फास्फेट ग्रुप है, इतना वाला है वो पेंटोस सुगर है, और ऐसा करके जो पट्टी देख रहा है वो क्या है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस सुगर और फास्फेट ग्रुप, ये तीन चीज़ मिला करके नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ये याद रखें. अब इसी में मैं एक बात और आपको बता दूं, इसी में मैं एक बार और एक बात और आपको बता दूं. जैसे आप देखते हैं कि ये सीढ़ी है, लेडर, और दूसरा ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी में ऐसा एक पट्टी होता है, ये नाइट्रोजन बेस है, और आपको जान लेना चाहिए ये नाइट्रोजन बेस है, यहाँ ये सुगर है, और यहाँ तक की जो पट्टी है वो फास्फोरस है, और आप इतने को क्या कहोगे, इतना को एक न्यूक्लियोटाइड कहोगे. ऐसा ही यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड होता है, ये एक पट्टी की बनावट, दूसरा पट्टी की बनावट बिल्कुल उल्टा, ये ऐसा करके ऐसा जाता है, फिर ऐसा करके ऐसा जाता है, ये ऐसा करके ऐसा जाता है, तब कहीं जा करके आप कंप्लीट इस तरह का स्ट्रक्चर पाते हैं. तो DNA का आप इमेजिनेशन एक सीढ़ी से कर सकते हैं. सीढ़ी के जो पट्टी होते हैं वो दो नाइट्रोजन के जोड़ी से बनते हैं, नाइट्रोजन बेस, वन नाइट्रोजन बेस, दूसरा नाइट्रोजन बेस,
हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे मिलते हैं और एक नाइट्रोजन एक बेस पेयर बनाते हैं। इस तरह से ये मान के चलिए ये एडीनाइन है और ये थायमिन है, तो आप इसको पूरे को एक बेस पेयर कहोगे, दूसरा बेस पेयर और तीसरा बेस पेयर, इस तरह से ये बेस पेयर होते हैं। समझ में आ गया? चलिए मैं आपको बता के चलता हूँ कुछ और पॉइंट। यदि इसी डीएनए के स्ट्रक्चर में, अब चूंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ तो अब केवल दिखा देता हूँ कि क्या है। देखिए ये रहा साइटोसिन और ये साइटोसिन एक नाइट्रोजन बेस है। इससे किससे जुड़ा है? पेंटोज सुगर से ये जुड़ा है। किस कार्बन में जुड़ा है? कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे। और दूसरा काम कार्बन 5 पे जुड़ा है ये फास्फेट ग्रुप। समझ में आ गया? तो इतना तक एक न्यूक्लियोटाइड है। अब दूसरा ये यहाँ तक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ पे यहाँ साइटोसिन था, यहाँ एडिनिन है और ग्वानिन है। मैंने बॉन्ड बना बता दिया था, इस जगह में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और दो इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड में जुड़ाव इस जगह में होता है, इस जगह में भी एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। एक बात और जान लीजिए, इस न्यूक्लियोटाइड का दूसरे पट्टी के न्यूक्लियोटाइड से जुड़ाव होता है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, या तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड या तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जब साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ता है तो ये फिक्स है। ये नोट कर सकते हैं कि हमेशा साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ेगा और ये 3 बॉन्ड जुड़ेगा। ये एक साइंटिस्ट ने खोज करके बता दिया था, चारगाप ने, ठीक है। दूसरा बात, एडीनाइन के साथ में हमेशा थायमिन जुड़ेगा और 2 बॉन्ड से जुड़ेगा, ये भी फिक्स है, इनमें कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये उल्टा भी काम करेगा, थायमिन के साथ जुड़ेगा तो एडीनाइन ही जुड़ेगा, ग्वानिन के साथ जुड़ेगा तो साइटोसिन ही जुड़ेगा। ये फिक्स बात है, ये याद रखना, ठीक है, ये फिक्स बात है, ये याद रखना। अब आपको बता दूं कि इस तरह से थायमिन, एडीनाइन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये रहता है। अल्टीमेटली इसको देखे, डीएनए का सीढ़ी, डीएनए लैडर और डबल हेलिक्स जो होता है उसमें किस तरह का डिफरेंसेस रहता है, इस चीज़ को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ओरिजिनल डीएनए है और ये लेडर है, उस लेडर को ऐसे बता सकते हैं, यदि टी है तो दूसरे में ए आएगा, यदि जी है तो दूसरे में जी आएगा, सी है तो जी आएगा, ए है तो टी आएगा, ये आपको समझना है। तो स्ट्रक्चर में इन कंपोनेंट को आप समझ जाते हो तो फिर काम बनना चालू हो जाता है। अब इसमें भी वही बात है, ये क्योंकि मैंने एक बार पहला बता दिया, ये शुगर और ये नाइट्रोजन बेस और ये पेंटोज, और बॉन्ड क्या क्या होते हैं आपको पहले बता दिया, कंप्लीट वो इस तरह का एक कंप्लीट बॉन्ड बनाते हैं, याद रखना। और फिर एक बात जरूर है, एक बार जो आपको समझना था कि ये इसका बनते हुए ये ऊपर की तरफ चढ़ते दिखाई देता है और इसका ना इसका नीचे की तरफ चढ़ते हुए दिखाई देता है, तो याद रखना, जैसे इसका ये वाला पॉइंट 5वां पोजीशन था, ये वाला पॉइंट 3रा पोजीशन था कार्बन का, तो जो लास्ट में रहेगा, लास्ट में रहेगा इसका 3रा वाला पोजीशन खाली रह जाता है, तो 3रा वाला पोजीशन इधर खाली हो जाएगा और इधर वाले का 5वां पोजीशन खाली हो जाता है, तब इस पट्टी जो बनता है ना, इसे 3 और 5 वाला हेलिकल कहते हैं। और इसका उल्टा होता है, इसमें 3 वाला पॉइंट से स्टार्ट होता है और इधर खाली वाला 5 पॉइंट का एंड रह जाता है, तो इसे 3-5 वाला हेलिकल कहेंगे और इसे 5-3 वाला हेलिकल कहेंगे। ये 2 पट्टी बनती है। और ये बात बता दूं, ये ध्यान दीजिए, फास्फोरस और शुगर के जोड़ी को डीएनए का बैकबोन कहते हैं, ये बैकबोन कहलाता है। और इसकी कहानी कैसे है, देखो ये जो एक सीढ़ी है,
इस सीढ़ी का मेन, ये जो बांस का सीढ़ी होता तो ये होता, तो ये बेस है। और ये बेस किस चीज का बना होता है? ये सुगर का और फास्फेट का। तो फास्फेट और सुगर डीएनए का बेस बनाते हैं, तो इसे बेस कहते हैं, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। अब आपको एक बात और बता दूं, जो नाइट्रोजन बेस है वो नाइट्रोजन बेस प्यूरिन पिरामिडिन, जो प्यूरिन है एडिनाइन और ग्वानिन को प्यूरिन कहते हैं। प्यूरिन जो होते हैं वो एक सिंगल रिंग का बना होता है, उसमें अंतर यही रहता है, क्या होता है उसमें सिंगल रिंग का बना होता है, ऐसा हेक्सागोनल और ऐसा ये वाला एडिनाइन और ग्वानिन, और ये साइटोसिन है और थायमिन है, कैसे बना होता है इस तरह से साथ में मिला के ऐसा करके ऐसा बना होता है, टू रिंग होते हैं। पायरिमिडिन में टू रिंग होते हैं, प्यूरिन में सिंगल रिंग होता है इस तरह का, ये इन दोनों में यही अंतर है, होते इनके अंदर एडिनाइन और ग्वानिन प्यूरिन है, पायरिमिडिन में साइटोसिन और थायमिन आता है, टोटल चार होते हैं, टोटल चार नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो उम्मीद है नाइट्रोजन बेस समझ में आया होगा, पेंटोज सुगर आया होगा। आपको इसके पहले मैंने बताया था बॉन्ड के, तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन होता है? जब सुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ने वाले बॉन्ड को, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके अतिरिक्त आपको बताऊंगा फास्फोडाइस्टर लिंकेज, तो फास्फोडाइस्टर लिंकेज कौन हुआ? ये फास्फेट और सुगर को जोड़ने वाला बॉन्ड को फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको बताऊंगा 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज कौन होता है? तो ये वाला ध्यान दीजिए, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ते हैं, तब इस जगह के बॉन्ड को 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। और बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब होता है फास्फोरस और सुगर को, इन्हें बैकबोन कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ में आया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट। IAS इज ऑफरिंग यू एग्रीकल्चर ऑप्शनल क्लासेस फॉर योर IAS, IFORS, स्टेट PCS एग्जाम्स। द क्लास विल बी टॉट बाय रूप सिंह मैत्री सर, एन एक्स साइंटिस्ट फ्रॉम ICAR। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन मोबाइल नंबर 7303314331 और विजिट आवर वेबसाइट www.agrimli.com। Smart Notes for IAS Agriculture optional for your IAS, IFORS, State PCS exams is available. Notes are AI-powered, errorless, and have reliable referencing. To order, please contact via WhatsApp or call at 7303314331. For online reading of the ebook, download our Agrimli app from the Google Play Store. Get a heavy discount on it. Smart Test Series for IAS Agriculture optional is also available in offline and online mode. Answer copy check by Roop Singh Maitri sir, an ex-scientist from ICAR. To start the test series, please contact via WhatsApp or call at 7303314331. Get a heavy discount on it. Thank you for watching this video. If it was useful for you, then do like and share it among friends. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Agrimli IAS, so that you can get notifications about our future videos on time.